तो पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और आलूओं को एक पिलर की हेल्प से छील लेंगे अच्छी तरह से, और उसे पानी में अच्छी तरह डुबा देंगे ताकि आलू जो है काले ना पड़े। और आलू के हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे, जितने छोटे पीस रहेंगे उतना हम बारीक इसे ग्राइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो आलू को छोटे छोटे पीस कर लेंगे, और पीस करने के बाद इसे पानी में डुबा के रखेंगे ताकि ये काले ना पड़े। और इसे मैं एक साफ़ पानी से वॉश कर ले रही हूँ अच्छी तरह से, और इसे स्टेनर में रख देंगे ताकि जो भी पानी है एक्स्ट्रा निकल जाए। और इन सारे आलूओं को एक मिक्सी जार में शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ मैं जिस कप में चाय पीते हैं वो छोटा मीडियम साइज़ का कप ली हूँ, उसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। जितना कम पानी में आप इसे पीस सकते उतना कम पानी में आप इसे पीसिएगा। तो मैंने इसे मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इधर गैस ऑन करके मैंने एक मोटे तले का बर्तन लिया है, मेरे पास छोटा बर्तन नहीं था तो मैंने बड़े साइज़ का लिया है, आप छोटा ले लीजिएगा। तो इस बर्तन में जो हमने पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को जो भी आपके पास कप या कटोरी होगा उससे आप मेजर कर लीजिएगा। तो उस पेस्ट को मैं इसे कप से नाप रही हूँ, तो ये 2 कप आया है, 2 कप पेस्ट है, मतलब 4 कप पानी डालना है। कोई भी आप मेजर के लिए कप या ग्लास ले लेंगे। तो मैंने 2 कप पेस्ट और यहाँ 4 कप पानी। अब गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल पानी की तरह पतला है, हमें इसे बिल्कुल गाढ़ा बनाना है। तो गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और बॉईल होने के बाद यहाँ 1 टीस्पून खड़ा ज़ीरा ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। और बॉईल होने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू पकाएंगे 10 से 12 मिनट, क्योंकि अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं पकाएंगे तो ये नीचे तले में चिपक जाएगा। तो आप गैस के पास से बिल्कुल भी मत हटिएगा और इसे बिल्कुल गाढ़ा बनाना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। कम से कम इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, ये आपके आलू पर डिपेंड करता है। तो इसे बनाने में मुझे कुछ 15 से 16 मिनट लगा है, तो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है आप देख सकते हैं। तो यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और जो हम साबूदाने का पापड़ बनाते हैं ना ये बिल्कुल उसकी तरह गाढ़ा रहना चाहिए। तो गैस बंद करने के बाद यहाँ मैं मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 50% ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिएगा वरना पापड़ डालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ 50% ठंडा कर लीजिएगा। मैं एक ज़रूरी बात बताना भूल गई, जब आप पेस्ट बनाते हैं आलू का तो गैस ऑन करके उस आलू के पेस्ट को तुरंत उस बर्तन में शिफ्ट करना है। अगर आप पेस्ट बना के रख देंगे जार में तो वो आलू जो है बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पापड़ भी काले बनते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ ठंडा होने के बाद मैंने एक प्लास्टिक की शीट पर ऑयल से ग्रीस किया है, और सारे इसे चम्मच से निकाल के इसमें थोड़ा थोड़ा फैला देना है। आप बिना ऑयल से ग्रीस किए भी बना सकते हैं, पर ऑयल से ग्रीस करने से ये इजीली निकल जाता है। तो मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और ये थोड़ा थोड़ा डाल के चम्मच से मैं फैला दे रही हूँ, और इसे तेज़ धूप में हम 1 से 2 दिन के लिए सुखाएंगे। ये भी आपको मोटा लग रहा है पर सूखने के बाद जो है ये पतला हो जाता है। तो मैंने यहाँ सभी पापड़ को डाल दिया है और इसे मैंने काउंट किया है, ये पूरे 82 है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके काउंट कर सकते हैं, ये पूरे 82 है। इसके साइज़ भी मीडियम साइज़ का है, हमारे हाथों की जो हथेली होती है जो बीच वाला हिस्सा होता है उससे बड़ा ही होता है। तो मैंने सारे पापड़ को धूप में अच्छी तरह सुखा लिया है, और मैं आपको तल के भी बता देती हूँ। तो यहाँ मैं जो गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखिएगा, इसे मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भी मत तलिएगा, बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं ये। तो पापड़ को आप 1 साइड ही तलिएगा, दोनों साइड मत तलिएगा, तो दोनों साइड से तलेंगे तो जल जाएंगे। तो जैसे ही पापड़ आप डालेंगे इसे फ़ौरन बाद निकाल लीजिएगा। तो मैं सभी पापड़ आपको तल के दिखा दे रही हूँ। तो ये वीडियो अगर थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो। तो यहाँ हमारे सारे पापड़ रेडी हो गए हैं, तो मैं इसे तोड़ के भी बता रही हूँ, देखिए बिल्कुल कुरकुरे बने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।